चाहे जो विपताएं आए मुख को जरा ना मोड़ो तुम, साथ रहे या रहे ना साथी, हिम्मत मगर ना छोड़ो तुम। शेर वगैरह भी है क्या? रजत रॉय एक्टर्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, कुछ अलग रास्ते से जा रहे हैं। इस रूट में हमें कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कीचड़, पत्थर, लैंडस्लाइड, काफी रिस्की ये जर्नी था जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर जाने के रूट में हूँ और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे हमने कोई स्पेशल गाड़ी नहीं लिया था, ये एक भाई साहब हैं जो गाड़ियों की डिलीवरी करते हैं श्रीनगर तक। जैसे कोई श्रीनगर में कोई ऑर्डर बुकिंग किया गाड़ियों की, वो जम्मू से ले जाकर छोड़ते हैं। तो मुझे वही वाली गाड़ी मिल गई और आप सबको भी मिल सकती है। अगर बस अड्डे तक आ जाते हैं आप जम्मू स्टेशन से, तो आपको भी ऐसे मिल सकती है और काफ़ी कम खर्चे में भी हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने कम से कम खर्चे में चीज़ों को बताया जाए। तो एकदम नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। देखिए अभी जो हमारे जो ड्राइवर जी हैं, ये गए हैं अपने घर में कुछ काम से, तो वो करने के बाद फिर हम निकलते हैं, एंजॉय करते हैं रास्ते। ब्यूटीफुल। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। क्या नाम है सर आपका? जस्टिन। जस्टिन, जस्टिन भाई से मुलाकात हुई है। पहाड़ों के जिस्मों पर बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों में शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। फूल बिछे हो या कांटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपताएं आए मुख को जरा ना मोड़ो तुम, साथ रहे या रहे ना साथी, हिम्मत मगर ना छोड़ो तुम, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दीन बन जोड़ो तुम, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बनी हो तन में तब तक आगे बढ़ते चलो। अभी जम्मू कश्मीर के रास्ते में हूँ, गाड़ी का कुछ इश्यू आ गया, सामने लैंडस्लाइड है और कोई भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हमने यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलने का विचार किया। आप गाड़ी वाले के लिए वेट कर रहे हैं, एक डेढ़ घंटा तो हो रहा है, या देखते हैं हम कैसे पहुंचते हैं। अभी तो काफ़ी दूर है, लेकिन ये एक अलग एक्सपीरियंस लग रहा है, लेट्स सी। करीब 5 घंटा उधमपुर में रुकने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। ड्राइवर ने एक अलग रूट चुना जो कि बिल्कुल कच्चा रास्ता था। चलते चलते हमारे ड्राइवर से बातचीत शुरू हो गई। शादी की हुई उसको 10 साल हो गए, 10 साल में उसने एक दफा भी नहीं पूछा कि माँ बाप कहाँ है कहाँ नहीं, ऊपर से आता है लड़ाई झगड़ा करता है। अगर हम वो रिस्क नहीं लेते तो शायद हमें और भी 4-5 घंटा रुकना पड़ता। हम उस कच्चे रास्ते से निकल चले हैं। ये बहुत ही डरावना या रिस्की रास्ता था, कई पत्थर गिर रहे थे ऊपर से। और वो निकल गया जहां पर पूरा स्लाइडिंग हुआ था। फाइनली हमें मेन हाईवे मिल गया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें एक टनल मिला जो कि 9 किलोमीटर लंबा था। मन कहीं नहीं भटका है, ऊपर एक बादल अटका है जो तुझको छू कर आया है, मेरे मन के आंगन में बरसा है। चांद कहीं नहीं भटका है, दिल के आसमां में लटका है, तेरे मन को छू कर आया है, तेरे तन के आंगन में चमका है। आप देख पा रहे होंगे कि लैंडस्लाइड कितना जबरदस्त है, पत्थर गिर रहे हैं। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि जब सीआरपीएफ वालों ने मुझे किसी वजह से पकड़ लिया